दोस्तों, आज मैं आपके साथ सभी की एनी टाइम फेवरेट सेंटर फिल बबल गम चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है ना, मैंने जूम पे एक लाइव सेशन रखा था, तो तब से बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि ये चॉकलेट्स की रेसिपी मैं अपने चैनल पर भी शेयर करूँ। और ये चॉकलेट है ना, इतनी टेस्टी बनती है कि बबल गम का फ्लेवर, जो च्युइंगम का फ्लेवर है, वो हमें चॉकलेट में मिलेगा। और सिर्फ दो ही सामग्री से हम ये फ्लेवरफुल चॉकलेट बनाने वाले हैं। तो बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट्स। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर डार्क जो चॉकलेट्स आती है वो लिया है 250 ग्राम, और आप चाहे तो यहाँ पर डार्क और मिल्क दोनों हाफ ऑफ क्वांटिटी भी ले सकते हो। और जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है ऐसा बबल गम फ्लेवर का हमने सेंटर फिल लिया है। और ये बबल गम फ्लेवर है ना, उसके अंदर थोड़े से राइस क्रिस्पी भी होते हैं, तो इसमें है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी ये जो चॉकलेट है ना, उसे हमें क्या करना है, पहले रफली कट कर लेना है। आप जहाँ से केक और चॉकलेट का मटेरियल लेते हो, वहीं पर आपको ये चॉकलेट के कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं, और आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। और हमें ये चॉकलेट को है ना फ्रिज में नहीं रखना है। ये चॉकलेट्स को हमें बनाने से पहले, अगर हमने एक बड़ा पैकेट लिया जैसे हाफ केजी का, उसमें से अगर हमने आधा यूज किया और आधा जो बच जाता है ना, उसे हमें कवर करके कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। जो यूज किया हुआ चॉकलेट है उसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ उसे अच्छे से पैक करके ही रखना होता है। और जो ये चॉकलेट है ना, उसे हम ऐसे रफली कट कर लेंगे तो हमें इसको मेल्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। हमने हमारी चॉकलेट को रफली कट कर लिया है, और अभी हम क्या करेंगे, इसको डबल बॉयलर करेंगे। डबल बॉयलर करना मतलब कि एक बर्तन में हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था, और पानी एकदम उबलता हो वही लेना है। और ध्यान रहे कि जो कढ़ाई का पानी है ना, वो हमारी चॉकलेट में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर हमारी जो चॉकलेट है ना, उसमें एक बूंद भी पानी गया तो हमारी चॉकलेट नहीं बनेगी, तो ये बात का खास ख्याल रखें। आप चाहे तो इसे माइक्रो में भी कर सकते हो, माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए आप इसे मेल्ट कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो फिर से आप 30 सेकंड के लिए इसे मेल्ट कर सकते हो। और अभी हम इसे है ना जो नॉर्मल डबल बॉयलर में मेल्ट कर रहे, तो डबल बॉयलर में भी हमें है ना 1 से 1.5 मिनट ही लगती है, क्योंकि ये जो चॉकलेट है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है। और अभी हमारा जो पानी भी है वो भी बहुत अच्छे से गर्म है, आप देख सकते हो कि पानी में भी है ना छोटे छोटे से उबाल आ रहे हैं। और हमें ये चॉकलेट को 80% ही मेल्ट करना है, बाकी का जो है ना वो गर्म होगा उसी में हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, तभी वो मेल्ट हो जाएगा। अभी जो हमने ये सिलिकॉन का मोल्ड दिया है ना, ये सेंटर फिल के लिए ऐसा नहीं लेना है। ये हम जो नॉर्मल चॉकलेट्स बनाते हैं ना, उसके लिए आप ऐसा सिलिकॉन का मोल्ड ले सकते हो, क्योंकि अभी हम सेंटर फिल बनाने वाले हैं, तो हमें है ना कोई भी ब्रॉड और जो बड़ा और डीप मोल्ड हो ना वो लेना है। ये इजीली आपको है ना जहाँ से आप चॉकलेट और केक का मटेरियल लेते हो वहीं से आपको मिल जाएगा। अभी हम ये मोल्ड में है ना अच्छी मात्रा में एक एक चम्मच भर के, मतलब कि पूरा मोल्ड भर जाए ना उतना जो हमारा मेल्टेड चॉकलेट है वो ऐड करते जाएंगे, मतलब कि डालते जाएंगे। और ये मोल्ड है ना आसानी से 15 से 20 या 25 रुपए में मिल जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल से जो प्लास्टिक के मोल्ड आते हैं ना वही है। आप इसमें जो कोशली वाले आते हैं वो भी ले सकते हो, पर हमें ख्याल यही रखना है कि जब हम सेंटर फिल चॉकलेट बनाते हैं तो उसके लिए हमें डिप ही लेना है, ताकि उसमें है ना हमें जो सेंटर फिल्ड करना है वो आसानी से हो सके। तो हमें है ना अभी उसे 2 से 3 बार टैप कर लेना है। और दूसरे मोल्ड में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो हार्ड वाला है वो मुझे ज्यादा डीप लग रहा है, इसके लिए मैंने हार्ड शेप वाला है ना उसी में फिर से ये चॉकलेट को पोर कर दिया है। जहाँ पर हमें लगे कि छोटे मोल्ड है तो वो हमें नहीं लेने हैं। एक साइड फिर से, एक साइड जो स्क्वायर मोल्ड है ना उसमें हमने चॉकलेट को फिल्ड कर दिया है। जो राउंड है ना वो थोड़े से छोटे है, तो हमें ये सेंटर फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमें है ना जो मोल्ड में भरने के बाद उसे 3 से 4 बार अच्छे से टैप करना है,
और टैप करने के बाद हम नॉर्मली ये है ना बाहरी इसे 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब क्या करेंगे, एक जो हमारे पास नॉर्मल सा कोई भी प्लेटफॉर्म हो या हमारे पास चॉपिंग बोर्ड हो ना, उसके ऊपर हमें उल्टा कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी ना वो हमें निकाल लेनी है। और आप देख सकते हो कि हमने एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल दी है, जो चॉपिंग बोर्ड होता है ना उसके ऊपर हमने निकाल दिया है। और अब भी क्या करेंगे, फिर से वही मोल्ड में हम इसका अच्छे से सेल बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से हम ये मोल्ड में है ना चॉकलेट को भर देंगे और उसे फिर से हम नॉर्मली 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना होगा ताकि इसका जो सेल है ना, जो कवर है वो अच्छे से सेट कर पाए। हम जो हम नॉर्मल ये चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी जो चॉकलेट को हमने निकाला था ना, उसे भी हम फिर से हमारे बर्तन में लेकर उसे डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस को है ना हमें 2 से 3 बार करना है क्योंकि इसका जो सेल है ना वो एकदम परफेक्ट होगा, तभी हम इसमें सेंटर फील भर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हम एक्स्ट्रा चॉकलेट है ना उसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर निकालते जा रहे, तो जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है ना उसे भी हम अच्छे से, जो हमारे पास जो फिनिशिंग का नाइफ होता है ना उसे हम इजीली निकाल भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े बर्तन तो नहीं होते हैं, तो हमारे पास ये चॉपिंग बोर्ड का एकदम इजी ऑप्शन है। और ये प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार करना है। तो आप देख सकते हो कि जो फिनिशिंग का नाइफ है ना जिससे हम केक की फिनिशिंग करते, उसे हम एक्स्ट्रा जो भी मोल्ड के ऊपर चॉकलेट चिपकी है ना उसे भी हम निकाल दे रहे। और अगर कोई कहीं रह भी जाएगी तो उसका भी फिनिशिंग हम इसमें देख लेंगे। तो अभी हमारी ये जो मेथड किया ना हमने इसे 3 बार कर लिया था क्योंकि हमें इसका जो सेल है ना एकदम पतला और एकदम मोटा भी नहीं चाहिए, मतलब कि मीडियम चाहिए। तो हमें ना इसको ये प्रोसेस को मतलब कि चॉकलेट के मोल्ड में ऐड करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमें ना जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है उसके ऊपर से भी आप देख सकते हो कि जो हम नाइफ से आसानी से चॉकलेट को हम बाउल में ले रहे हैं, मतलब कि इसे है ना आसानी से हम ले भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमें बहुत आसान होती है और हमें करने में भी कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ख्याल रखें कि हमें इसका जो सेल है ना सेंटर फिल का, न ज्यादा पतला और न ज्यादा मोटा करना है क्योंकि हमें अच्छी मात्रा में सेंटर फिल के अंदर बीच में भी अच्छी फिलिंग भरनी है। तो इसके अंदर हमें फिलिंग भरने के लिए जो ऊपर का आउटर लेयर जो होता है ना वो भी एकदम ठीक से चाहिए। अभी ये 3rd time मेरा हो रहा है, आपको मैंने 3 बार दिखाया कि स्टेप बाय स्टेप हम इसमें है ना चॉकलेट को भरते जा रहे, 1 मिनट के लिए साइड में रख रहे और फिर से हम इसे है ना डिमोल्ड कर रहे, मतलब कि चॉपिंग बोर्ड के ऊपर निकाल रहे ताकि जो एक्स्ट्रा चॉकलेट वो निकल जाए और बाकी का है ना वो कवर में अच्छे से कवर बन जाए, मतलब कि उसका एकदम जो सेल है ना वो बन जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल तो रेडी है, अभी हम इसमें है ना अच्छी मात्रा में जो हमारा बबल गम फ्लेवर है ना सेंटर फिल, उसे हम बीचों बीच सेंटर फिल कर देंगे, मतलब कि जो हमारा चॉकलेट रेडी है ना उसके बीचों बीच हम इसमें है ना चम्मच, और हमें अगर जरूरत पड़े तो हम नाइफ से भी है ना चम्मच से उसमें सेंटर फिल करते जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग बैग का भी यूज कर सकते हो। तो हम है ना छोटा सा चम्मच लेंगे और एक चम्मच को हमने एक हाथ में पकड़ा है और दूसरे हाथ में हमने ना नाइफ से इसको निकालते जा रहे और आसानी से हम इसके सारे सेल में जो हमारा बबल गम फ्लेवर है ना उसे भी फिल्ड करते जा रहे, मतलब कि बबल गम फ्लेवर को भी बीच में भरते जा रहे। तो अभी आप देख सकते हो कि आसानी से हमारे सारे जो चॉकलेट के मोल्ड है ना हमने भरकर रेडी कर लिए है। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, सिर्फ हमें जो इसका आउटर लेयर है ना जो सेल है उसे ही बनाने के लिए हमें 2 से 3 बार चॉकलेट को अंदर पोर करना है और फिर वापस से निकालना है। और ये जो इजी मेथड थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर फिर स्पून से बीच में से स्कूप करके भी निकाल सकते हो। जो हमने एक बार उसको सेट तो कर लिया चॉकलेट को, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट हमने जो चॉपिंग बोर्ड से निकाली थी ना वो थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, हम उसे भी फिर से हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फिर से डबल बॉयलर में मेल्ट किया है, हमने यहाँ पर फिर से 80% ही बॉइल किया है और उसके बाद हम इसे है ना जो हमारा सेल रेडी है ना उसके ऊपर जो ऊपर का लेयर है ना बीच में हमने जो बबल गम रखा है और उसके ऊपर हम फिर से चॉकलेट का लेयर को पोर करते जाएंगे ताकि हमारी चॉकलेट है ना वो अच्छे से सेट हो जाए,
मतलब कि बीचों बीच हमारा सेंटर फिल होगा और ऊपर और नीचे अच्छे से हमारा ये आउटर लेयर चॉकलेट का होगा। वो भी हमने सिर्फ दो ही सामग्री से बनाया है और बहुत ही आसान विधि से। अगर आप घर से अपना ये बिजनेस कर सकते हो ना, तो इसके लिए भी एकदम बहुत आसान मेथड है। तो यहाँ पर हमने है ना बहुत ही कम सामग्री से और बहुत ही कम समय में, क्योंकि हमें है ना सिर्फ मेल्ट करने में भी 2 मिनट लगते हैं और जो चॉकलेट को हम सेट करते हैं ना, जो हमने 3 बार किया है उसे हार्डली 1.5 से 2 मिनट ही हमने सेट करने के लिए रखा है। और जब हमारा पूरा चॉकलेट फिल्ड करके हो जाएगा, उसे हम फ्रिज में कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये जो चॉकलेट है ना हमारी एकदम परफेक्ट सेट हो जाए। ध्यान रहे कि हमें ना इसको फ्रिज में ही रखना है, फ्रीजर में नहीं। अगर हम फ्रीजर में रखेंगे ना, तो ये चॉकलेट के ऊपर थोड़े थोड़े से पानी के डॉट्स दिखेंगे। अभी जो हमने चॉकलेट को सेट किया है ना, उसे हम फिर से ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगा उसे हम नाइफ से हटा देंगे। और अभी आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए अभी जो है ना, एक आपको पोर्शन दिखा देती हूँ कि ये थोड़ा सा हमारा चॉकलेट अभी सेट नहीं हुआ है, मतलब कि आपको कलर से दिखा देती हूँ कि थोड़ा सा ये वहां पर हमको पता चल जाएगा। कि आपको दो का डिफरेंस देखिए, एक जो है एकदम सेट हो चुका है और एक जो है उसमें जो है थोड़ा सा हमको गीलापन लगता है, ताकि वो समझ में आ जाएगा। आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये एक चॉकलेट ही हमारा सेट हुआ है। भले हमने साथ में एक ही मोल्ड में रख दिया है फ्रिज में, पर फिर भी है ना एक ही जो हमारा हार्ड शेप है वो सेट हुआ है और बाकी के सेट नहीं हुए, तो उसे हम फिर से फ्रिज में रख देंगे। और हम है ना इसे एकदम परफेक्ट सेट हो जाए तब तक फ्रिज में रखेंगे। और जो कहीं पर भी साइड में हमारी जो चॉकलेट है ना वो चिपकी हुई रहेगी, तो उसे हमें ना नाइफ से निकाल भी देंगे। और अगर हमें लगता है कि चॉकलेट हमारी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नाइफ होता है ना उसके बैक साइड से थोड़ा सा टैप करेंगे, ताकि हमारी जो चॉकलेट है ना वो आसानी से निकाल सके हम। और ये हमारा घरेलू जो मेथड है ना उससे हम इजीली कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर नाइफ को हल्का सा गर्म करके फिर उसे अगर हल्का सा ही टच करोगे ना, तो जो एक्स्ट्रा चॉकलेट का पार्ट कहीं पे भी जो चिपका हुआ है वो आसानी से वो रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह से हम सारी चॉकलेट को है ना टैप करके निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि हम है ना उसको हल्का सा ही टैप करेंगे तो तुरंत ये चॉकलेट है ना निकल जाएगी। और हमने इसमें है ना कोई बटर या ऑयल का भी यूज नहीं किया है और ना ही कोई घी का यूज किया है और ना ही हमने है ना चॉकलेट के अंदर भी बटर का यूज किया है और मोल्ड के ऊपर भी हमें कोई भी चॉकलेट का मोल्ड है ना उसके अंदर भी हमें घी या बटर भी लगाने की जरूरत नहीं है। और ये चॉकलेट इतनी वैसे ही शानदार है, तो हमें इसके अंदर भी है ना बटर की ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ दो ही सामग्री से हमारी होममेड सेंटर फिल्ड चॉकलेट रेडी है, और वो भी सिर्फ मिनटों में। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करना, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और काफी टाइम से सारे दोस्तों की डिमांड थी ये चॉकलेट की रेसिपी में जल्दी से जल्दी चैनल पर शेयर करूं, तो आपके लिए ये रेसिपी रेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक चॉकलेट को कट करके भी चेक कर लेंगे। परफेक्ट हमारी सेंटर फिल बबल गम चॉकलेट्स रेडी है। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ। रोज नई रेसिपी के लिए पारुल भानुशाली की रेसिपी को फॉलो करते रहिए और अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में आप मुझे देते रहिए।